नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 30 साल बाद इस देश को एक बहुमत वाली सरकार मिली तो उसके पीछे लोगों की एक बड़ी उम्मीद थी। ये उम्मीद थी कि अच्छे दिन आएंगे। इस अच्छे दिन का इंतजार देश की आधी आबादी को भी था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों को छोड़िए राजधानी दिल्ली में भी महिलाओं के अच्छे दिन नहीं आए। 5 दिसंबर की रात हुई बलात्कार की घटना सरकार की साख पर बहुत बड़ा सवाल है, और उससे बढ़कर सवाल है समाज पर, क्योंकि सरकार बदली, समाज नहीं बदला। फिर वही आक्रोश, फिर वही विरोध प्रदर्शन और धरना, फिर वही सिस्टम के खिलाफ जलती मोमबत्तियां। दिल्ली में गुस्से की आंच में मोमबत्तियां तो पिघल गईं, लेकिन न सड़ी गली मानसिकता की गंदगी पिघली, न दिल्ली का दिल पिघला। उबर कंपनी के कैब में दिल्ली की एक बेटी ने अपनी आबरू ही नहीं खोई, बल्कि खुद दिल्ली की आबरू शुक्रवार की उस रात एक बार फिर नीलाम हो गई। प्रदर्शन करने का हमारा ये है कि रेप के खिलाफ की आज तक सरकार बनने के इतने टाइम के बाद ही महिला सुरक्षा के लिए क्यों कुछ नहीं हुआ। आप ये बताइए, रोजाना रेप हो रहा है, कैब में रेप हो रहा है। मोदी जी ने क्या कहा था, दिन अच्छे आ रहे हैं? कौन से अच्छे आ रहे हैं? महिला सुरक्षा के ऊपर कोई भी है, विदेश यात्रा कर रहे हैं, रोज यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, महिला सुरक्षा क्या दी जा रही है? निर्भया कांड तो भूले नहीं भूलता। 2 साल पहले वो भी दिल्ली की एक सर्द रात थी, लेकिन एक लड़की के साथ 16 दिसंबर 2012 की रात जो हुआ, उसने दिल्ली को ही नहीं देश को भी हिला कर रख दिया था। ये सवाल संसद भवन के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने, प्रधानमंत्री आवास के सामने, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने, दिल्ली विधानसभा के सामने, दिल्ली के मुख्यमंत्री निवास के सामने खड़ा था कि जब देश की राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो दूर दराज के इलाकों की गारंटी कौन लेगा। तब तो देश और भी उबल पड़ा। उस उबाल से उम्मीदों का बुलबुला फूटा कि महिलाओं के अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन 1.5 साल बाद इसी अच्छे दिन के इंतजार में हिंदुस्तान की हुकूमत बदल गई। मनमोहन सिंह की जगह नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर आ गई। लेकिन 5 दिसंबर की रात एक महिला से बलात्कार की चीखें ये सवाल कर रही हैं कि महिलाओं के अच्छे दिन कब आएंगे। सड़क पर लोग पूछ रहे हैं, दिल्ली से मुंबई तक, कोलकाता से बेंगलोर तक, क्या उनका बायोडेटा है ड्राइवर्स का, उनको देख के हायर करना चाहिए, और पुलिस बैकग्राउंड, मतलब पुलिस चेकअप होना चाहिए बाकायदा। सड़क का आक्रोश संसद तक पहुंचा। राज्यसभा में इस पर जमकर हंगामा हुआ। बस दलों के नाम अलग अलग थे, नहीं तो तमाम महिला सांसदों ने एक सुर में आवाज लगाई कि महिलाओं के अच्छे दिन कब आएंगे। आक्रोश वाजिब है, सवाल जायज। आखिर क्यों देश की राजधानी दिल्ली में एक बेहद महंगी और नामी कैब कंपनी की गाड़ी में एक लड़की अपने घर तक महफूज नहीं पहुंचती? वो भी एक पॉश एरिया से दूसरे पॉश एरिया तक जाना था, मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक लड़की उस यातना की शिकार हुई जो किसी की सारी संवेदनाओं को बुरी तरह हिला देने के लिए काफी है। लंबे चौड़े दावे करने वाली सरकार भी बता नहीं पा रही कि महिलाओं के अच्छे दिन कब आएंगे। कैब में हुई रेप की घटना ने एक बार फिर से दिल्ली को शर्मसार कर दिया है। पुलिस और प्रशासनिक अमला इस समय पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने में जुट गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, और पुलिस का कहना है कि वो जल्द ही इस मामले में विदेश से कंपनी के सीनियर लोगों को भारत पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बीच पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ उबेर कंपनी की लापरवाहियों को सामने रखना है, बल्कि आरोपी द्वारा दी गई वारदात को भी कोर्ट के सामने इस तरीके से रखना है ताकि कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द फैसला ले सके और आरोपी को उसके किए की सजा मिल सके। समय का पहिया अपने नीचे सरकार के उन दावों को कुचल रहा है जिसमें महिलाओं के अच्छे दिनों का वादा किया गया था। ऐसा ही निर्भया के समय भी हुआ था, ऐसा ही आज भी हो रहा है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मुकम्मल जवाब देश जानना चाहता है कि महिलाओं के अच्छे दिन कब आएंगे। मौसमी सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।
क्या सिर्फ सरकार बदलती है, सिस्टम नहीं बदलता? उबेर कंपनी की कैब में 26 साल की एक लड़की से बलात्कार की घटना ने सिस्टम को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बलात्कार और कैब कंपनी की भूमिका पर सरकार के मंत्रियों की राय बंटी हुई है। दूसरी तरफ देश की राजधानी में भी ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई है कि लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। एक 26 साल की युवती से बलात्कार हुआ और देश के गृह मंत्री को बयान देने में पूरे 3 दिन लग गए। माननीय राजनाथ सिंह की तंद्रा शायद 3 दिन बाद भी ना टूटती अगर दिल्ली की सड़कों पर जनाक्रोश की ज्वाला ना भड़कती और मोदी सरकार तक उसकी आंच ना पहुंचती। उपसभापति महोदय, जैसे ही इस घटना की सूचना, 3 दिन की खामोशी के बाद सरकार एक्शन में दिखी। गृह मंत्री ने करीब 4 मिनट का बयान पढ़ा, कुछ अपनी पीठ थपथपाई, कुछ दिल्ली पुलिस की, और देश को कुछ इस अंदाज में दिलासा दिया मानो आज के बाद किसी बहु बेटी की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। एक लिखित भाषण पढ़ने की औपचारिकता निभाने के बाद राजनाथ सिंह संसद से शौर्य मुद्रा में बाहर निकले, कुछ इस एहसास के साथ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर मौजूदगी में उन्होंने नंबर 2 का रोल बखूबी निभा दिया। लेकिन ये तो दिखाने भर की बात थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से दूर हैं, चुनावी व्यस्तता है, वो बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं, लिहाजा राजनाथ सिंह के कंधों पर ही पूरी जिम्मेदारी है। तभी तो दोपहर 1 बजे गृह मंत्री की दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से पहली मुलाकात हुई। दोपहर बाद 4:30 बजे राजनाथ ने पुलिस कमिश्नर को दोबारा तलब किया। सोमवार तक शांत बैठे सरकार के सिपाह सलारों को अचानक एक और निर्भय कांड की बुनियाद तैयार होती दिखी तो वो फौरन हरकत में आए। सवाल दिल्ली पुलिस पर उठ रहे थे जो कि सीधे सीधे गृह मंत्रालय के मातहत आती है। दिल्ली पुलिस पर उठ रहे सवाल नरेंद्र मोदी सरकार की ओर भी सवाल खड़े कर रहे थे। दिल्ली में रेप कांड के साइड इफेक्ट कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदों की लुटिया ना डुबो दें, इस चिंता में सरकार के सिपे सलार ने कई मोर्चे पर डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया। राजनाथ सिंह संसद में तकरीर देते नजर आए तो संसद के बाहर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर की गिनतियां जारी थी। जो एक केस दर्ज किया है क्योंकि वो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दिखाया गया था वो गलत पाया गया, तो उसके लिए हमने एक FIR दर्ज की है, उसकी हम तफ्तीश करेंगे ताकि उसमें जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाए इस व्यक्ति के अलावा। मोर्चे पर मोदी के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी उतरे, लेकिन उनके एक बयान ने देश को बता दिया कि सरकार के भीतर कितना कंफ्यूजन है। जरा देखिए उबर कंपनी पर कार्रवाई को लेकर कैसे सरकार के 2 मंत्री अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। 2 मंत्री एक सरकार, मगर बयानों में जमीन आसमान का फर्क। सवाल बनता है कि क्या मोदी सरकार भी पुराने ढर्रे पर चल रही है? विपक्ष ने चुटकी ली कि लाइन लेंथ तो दुरुस्त रखो। तो ये देश की हकीकत है, 16 दिसंबर 2012 और 6 दिसंबर 2014 के बीच वक्त के दरिया में भले काफी पानी बहा हो, सत्ता और सरकार के संस्कार नहीं बदले हैं। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ मंजीत सिंह नेगी आज तक। लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने महिला सुरक्षा को एक अहम मुद्दा बनाया था। दिल्ली में 2 साल पहले इसी महीने में निर्भया रेप कांड हुआ था जिससे मनमोहन सरकार के खिलाफ एक माहौल बना था। आलम यह है कि इस साल मनमोहन राज में 5 महीने में दिल्ली में जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई थी उससे ज्यादा हो चुकी हैं। हम 5 दिसंबर की घटना की बात कर रहे हैं जबकि आज ही दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 13 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? लाल किले के प्राचीर से पहली बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया था कि आधी आबादी की इज्जत आबरू की तरफ किसी खोटी नियत वाले की काली नजर जाएगी भी नहीं। लेकिन सच तो ये है कि देश के दूसरे हिस्सों को छोड़ दीजिए, खुद दिल्ली में महिलाएं महफूज नहीं है। 5 दिसंबर की रात एक हाई प्रोफाइल लड़की से हुए बलात्कार की घटना ने सरकार को आईना दिखा दिया है।
इस साल 26 मई को मोदी की ताजपोशी हुई। जनवरी से लेकर मई महीने तक दिल्ली में बलात्कार के 834 मामले दर्ज हुए, लेकिन जून से अक्टूबर के बीच ये मामले 956 तक पहुंच गए। जबकि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की गारंटी ली थी कि दिल्ली ही नहीं देश की हर महिला की हिफाजत सरकार करेगी, लेकिन मौजूदा हालात सवाल कर रहे हैं कि महिलाओं के अच्छे दिन कब आएंगे। दो साल पहले निर्भया बलात्कार कांड ने देश को झकझोर दिया था। सड़क पर लोगों का आक्रोश था तो संसद में विपक्ष ने मनमोहन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन न आक्रोश की चिंगारी में भ्रष्टाचारी मानसिकता जल पाई, न मोमबत्ती की रोशनी में साफ सुथरी व्यवस्था का चेहरा दिख पाया। दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ हर 2 घंटे में एक महिला का अपहरण होता है, हर 4 घंटे में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। दिल्ली में साल 2012 में बलात्कार के 706 मामले दर्ज हुए थे। अगले साल 2013 में यह संख्या बढ़कर 1636 हो गई। इस साल 15 नवंबर तक ही यह संख्या 1686 तक पहुंच गई। ऐसे में देश जानना चाहता है कि जब ऐसे ही होता रहेगा महिलाओं से बलात्कार और अत्याचार, तो फिर उनकी हिफाजत का कैसे दावा कर रही है सरकार। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या महिलाओं के अच्छे दिन सिर्फ कहने सुनने के लिए हैं? आज तक ब्यूरो। 2 साल पहले निर्भया कांड पर ऐसा जन आक्रोश उमड़ा कि दिल्ली की सरकार तक दहल गई थी। आनन फानन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया गया, लेकिन फंड का पैसा खजाने से बाहर नहीं निकला। महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे रह गई। वो भी दिसंबर की सर्द रात थी। दिल्ली की सड़कों पर घंटों एक बस घूमती रही और एक बेबस लड़की की आबरू लूटती रही। तब पूरा देश उबल पड़ा था सड़कों पर सिस्टम के खिलाफ जंग की शंखनाद के साथ। लेकिन 2 साल बाद भी सिस्टम कितना बदला, इसकी वानगी देखिए। केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ का निर्भया फंड बनाया। अब तक निर्भया फंड में 2000 करोड़ जमा हो चुके हैं, लेकिन 2 सालों में सिर्फ 321 करोड़ 69 लाख की योजना मंजूर हुई। आखिर क्यों? क्या इसलिए कि नई सरकार को एक और निर्भया कांड का इंतजार था? ये सवाल सख्त है, लेकिन संजीदा भी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स हैं, उसको बनाने के लिए अब हमें इजाजत मिली है करीबन 50 के लिए, और उनके लिए हम लोग जगह ढूंढ रहे हैं। आपको शायद ये मालूम हो कि निर्भया फंड का इस्तेमाल देश के 32 शहरों में अत्याधुनिक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम खड़ा करने के लिए था। कई और भी घोषणाएं हुई थी। बजट में करोड़ों का आवंटन हुआ था। 150 करोड़ महिला सुरक्षा पर, 50 करोड़ वाहनों में सुरक्षा पर, 100 करोड़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। लेकिन ये तमाम घोषणाएं तब तक खोखली और बेअसर ही कही जाएंगी जब तक इस देश की एक भी बेटी असुरक्षित है। क्या वो दिन हकीकत बन पाएगा? मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।